विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पे लापरवाही बरतना, अधिकारियों को पड़ा भारी। मतदान में तैनात 85 पीठासीन और मतदान अधिकारियों के खिलाफ की गई FIR दर्ज। समाजवादी पार्टी के नेता दिलीप यादव का बड़ा बयान, बीजेपी के इशारों पर दिखाया जा रहा एग्जिट पोल, 10 तारीख को समाजवादी पार्टी की बनेगी सरकार। विधानसभा चुनाव में 7 चरणों का मतदान हुआ संपन्न, जयंत चौधरी ने दी प्रतिक्रिया, कहा ईवीएम खुलने के बाद पता चलेगा परिणाम। चुनाव परिणाम आने से पहले स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान, कहा प्रदेश में फिर बन रही बीजेपी सरकार, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से फिर खिलने जा रहा कमल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। कन्नौज में चूल्हे की चिंगारी से भड़की आग में 5 घर जलकर राख हो गए। आग से अनाज सहित लाखों की गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के हलियापुर गांव की पूरी घटना है। दरअसल हलियापुर गांव निवासी सर्वेश की पत्नी चूल्हा जलता छोड़ गई थी, जिससे इतनी बड़ी घटना घट गई। तो वहीं लोगों ने बताया कि वो अपने बच्चों को टीका लगवाने के चक्कर में चूल्हा जलता छोड़ गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस और गाँव के लोगों ने आग पर काबू पाया है। बरेली के सीबीगंज थाने में मतगणना स्थल पर बैलेट पेपर ले जाते हुए नगर निगम की गाड़ी को सपा कार्यकर्ताओं ने रोक लिया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने तलाशी के दौरान 3 बक्से गाड़ी से बरामद किए हैं, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने मतगणना स्थल पर जमकर हंगामा काटा। वहीं घटनास्थल पर SDM बहेड़ी, ACM तहसीलदार समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हो रही है। विपक्षी दलों के कलेजों पर फिर सांप लौटने लगा है। अब विपक्षियों को एग्जिट पोल पर भी भरोसा नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि विपक्षियों को ना ओपिनियन पोल पर भरोसा है, ना एग्जिट पोल पर भरोसा है, ना मीडिया पर भरोसा, ना ही निर्वाचन आयोग पर। 10 मार्च को ईवीएम से भी भरोसा उठ जाएगा। सच्चाई ये है कि जनता का भरोसा विपक्ष पर नहीं है, लेकिन विपक्ष इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। एग्जिट पोल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में वापस आ रही है, और अब एग्जिट पोल देख करके फिर विपक्षी दलों के कलेजे पर सांप लौटने लगा है। अब विपक्षी दलों को ओपिनियन पोल की तरह ही एग्जिट पोल पर भी भरोसा नहीं है। ये विपक्ष को कभी ओपिनियन पोल पर भरोसा नहीं होता, कभी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं होता, कभी मीडिया पर भरोसा नहीं होता, कभी प्रशासन पर भरोसा नहीं होता, कभी निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं होता। अब 10 मार्च को इनका भरोसा ईवीएम पर से भी उठ जाएगा, जबकि सच यह है कि जनता को विपक्ष पर भरोसा नहीं है, यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की ड्यूटी में लापरवाही बरतना अधिकारियों और कर्मचारियों को भारी पड़ गया है। दरअसल लखनऊ में मतदान के लिए तैनात किए गए 85 पीठासीन और मतदान अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। इन सभी की ड्यूटी मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में लगाई गई थी, लेकिन पोलिंग पार्टी के रवाना होने के समय ये सभी अनुपस्थित रहे। इन सभी के खिलाफ आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं 10 मार्च को रमाबाई स्थल पर मतगणना के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं।
वहीं देवरिया में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप यादव ने मंगलवार को देवरिया जनपद के पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारों पर एग्जिट पोल को दिखाया जा रहा है और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सोमवार को देर शाम को बिजली काटकर ईवीएम बदलने की कोशिश की गई, जिसको लेकर समाजवादियों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। गौना में सीएमओ ऑफिस रिकॉर्ड रूम में तीसरी मंजिल में आग लग गई। वहीं आग लगने से सीएमओ ऑफिस में अफरा तफरी का माहौल मच गया, जहां सूचना पर मौके पर स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटे में आग पर काबू पाया। सीएमओ राधेश्याम केसरी के मुताबिक कार्यालय का रिकॉर्ड रूम में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है, जिसका विभाग नुकसान का आंकलन भी करने में जुटा हुआ है। तीसरी मंजिल पर सीएमओ ऑफिस में जहाँ के कुछ रिकॉर्ड्स रखे हुए थे, वहीं पे आग लगने की घटना आई है और लगता है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। क्या क्या नुकसान हुआ होगा इसमें? अभी इसके लिए तो तुरंत कुछ नहीं कहा जा सकता। आग पर काबू पा लिया गया है, अब आगे आकलन होगा और उसमें जो बात आएगी उसको देखा। कोई हताहत तो नहीं है? कोई हताहत नहीं है। ललितपुर के कोतवाली मेहरौनी क्षेत्र के ग्राम अजान के पास चारपहिया कार पेड़ से टकरा गई, जहां कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं तीन लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहरौनी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने तीनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। बता दें कि सभी सैदपुर गांव से मेहरौनी की ओर जा रहे थे। घटना के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। आज हम आपको ऐसी एक महिला के बारे में बताएंगे जिन्होंने झुग्गी के 100 से ज्यादा बच्चों को गोद ले रखा है। ये वो बच्चे हैं जो कबाड़ बिनने का काम करते थे। फिलहाल इन बच्चों को गोद लेकर रेखा उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती है। ग्रेटर नोएडा के NTPC आनंद सोसाइटी की रहने वाली रेखा गुर्जर माता गुजरी पन्नाधाय संस्था की अध्यक्ष भी हैं। उनकी संस्था सभी तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खान पान और खेलकूद का भी उनके द्वारा पूरा ख्याल रखा जाता है। बता दें कि रेखा झुग्गी झोपड़ियों के 100 से ज्यादा बच्चों को गोद ले चुकी हैं और उनका पालन पोषण भी वही कर रही हैं। और यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान।
सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव IAS इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून, मोबाइल नंबर 9319700579। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में मतगणना स्थल पर बैलेट पेपर ले जाते हुए नगर निगम की गाड़ी को सपा कार्यकर्ताओं ने रोक लिया। उसके बाद क्या था, हंगामा खड़ा हो गया। सपा कार्यकर्ताओं ने तलाशी के दौरान 3 बक्से गाड़ी से बरामद किए, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने मतगणना स्थल पर जमकर हंगामा काटा। वहीं घटनास्थल पर SDM बहेड़ी, ACM तहसीलदार समेत भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बरेली का ये पूरा मामला है सीबीगंज थाना क्षेत्र में। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी आसिफ मेरे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, बरेली के सीबीगंज थाना में क्या हुआ है, पहले पूरा मामला बताइए। काजल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बरेली के पत्थरखेड़ा मतदान स्थल है, जहां पर 9 विधानसभाओं को लेकर मतगणना होना है, 10 तारीख को मतगणना होना है। लेकिन उससे पहले पहले से एक पूरे गांव की गाड़ी यहां पर आती है, उसमें 3 बक्से होते हैं, जिसको लेकर यहां पर पथेड़ा हुआ। तमाम दावा नेताओं ने यहां पर जमकर विरोध किया। वो इसके आरोप ये लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लेते कि उन बक्सों में संदिग्ध पेपर है, साथ ही साथ तमाम मोहरे हैं, जिसको लेकर उन्होंने नगर निगम की गाड़ियां रोक ली गई हैं, 3 बक्से भी उतार लिए गए। आखिर क्यों इतना बवाल काटा गया सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता पहले से ही आरोप लगाते रहे कि मतगणना स्थल पर धांधली हो सकती है, इससे पहले भी जवाब हंगामा हुआ है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के नेताओं रात दिन यहाँ पर रुककर अपने जो ईवीएम मशीन है उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कैमरे की निगरानी से सुरक्षा दृष्टि से देखा जा रहा है। लेकिन जो आज बवाल हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल उसको लेकर SDM ने भी यहाँ पर माफी मांगी है, उन्होंने कहा कि उनकी गलती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग आने का देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग इस पर किस तरीके से कार्रवाई करेगा। जो कारण बताया जा रहा है आसिफ, क्या वो कारण सही निकला है, क्योंकि SDM भी यहाँ पहुंचे हैं, मामले का संज्ञान लिया? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, SDM भी यहाँ पर मौजूद है, बरेली के जिले के तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे, पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है, और साथ ही साथ यहाँ पर 9 विधानसभा के तमाम जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लगातार अपना विरोध कर रहे हैं। कि और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये जो मतगणना स्थल पर जो संदिग्ध गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है, उसमें बक्से लेकर क्यों लाया जा रहा था, इसको लेकर ये सवाल खड़े हैं। बिल्कुल आसिफ, और देखिए जब मतदान हो रहे थे तब भी हम देख रहे थे कि सपा जो प्रत्याशी हैं, कार्यकर्ता हैं, काफ़ी शिकायत कर रहे थे कि EVM के साथ छेड़खानी की जा रही है, गलत तरीके से वोट डलवाया जा रहा है। आज फिर ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है, सपा कार्यकर्ता जो हैं विश्वास क्यों नहीं जता पा रहे हैं?
कारण मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि वो शुरू से ही ईवीएम कोर्ट में भी चुनाव हुए और अभी जो हालत के चुनाव हुए उस पर भी ईवीएम को दोषी माना गया। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को डर सता रहा, जिस तरीके से जिनको सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी डर देखा जा रहा है। फिलहाल कहीं ना कहीं गाड़ी में जो 3 बच्चों के अंदर बैलेट पेपर लाए गए और उसमें तमाम मोहरे मिली है तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव में इस बार धांधली हो सकती है, लेकर अब जनता विरोध और प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल आसिफ, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बना के रखेगा, अपडेट लेते रहेंगे। तो बरेली का एक पूरा मामला है जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम की गाड़ियां रोक ली और उनका कहना था कि गलत तरीके से बैलेट पेपर को जो है दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। ऐसे में मौके पर काफी हंगामा हुआ, सपा कार्यकर्ता काफी ज्यादा नाराज नजर आए। साथ ही साथ एसडीएम भी वहां पहुंचे हैं, भारी पुलिस बल भी पहुंचा है, किसी तरह से मामले को शांत कराने की कोशिश यहां पर की गई है। उधर पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र के विक्रमपुर गांव में बार बालाओं से अश्लील डांस का मामला सामने आया है, जिसमें हर्ष फायरिंग करने वाले ग्राम प्रधान सहित 7 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। दरअसल गांव में बार बालाओं का अश्लील डांस करवाकर हर्ष फायरिंग की जा रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम और उप निरीक्षक की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तो वहीं अन्य नामजद आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। प्रधान की शहर पर गांव में अश्लील डांस करवाया जा रहा था बार बालाओं का, और इसी दौरान हर्ष फायरिंग हुई है और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। फिलहाल जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो बाकी नामजद हैं उनकी तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम 10 मार्च को सामने आ जाएगा। इससे पहले मेरठ की हसनापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार योगेश वर्मा दूरबीन से ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तस्वीरें भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, दूरबीन से जहाँ पर ईवीएम रखी गई हैं वहाँ की निगरानी यहाँ पर योगेश वर्मा प्रत्याशी बताए जा रहे हैं सपा से, वो कर रहे हैं। तो योगेश वर्मा दूरबीन से छत और आसपास के पूरे इलाके पर पैनी नजर रखे हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ ईवीएम रखी गई है, हम दूरबीन से देख रहे हैं कि यहाँ किसी भी तरह की गतिविधि तो नहीं हो रही। दूरबीन से छत आसपास के पूरे इलाके पर हम पैनी निगाह बनाए हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने हमारे कार्यकर्ताओं के लिए 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट बना दी है जिसके आधार पर वे तैनात हैं। इसके अलावा आसपास के इलाके की निगरानी के लिए अलग से टीम भी बना दी गई है। बता दें कि योगेश वर्मा ने चुनाव से पहले सपा का दामन थाम लिया था, खुद पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस ज्वाइनिंग कराई थी और ऐतिहासिक बताया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि बहुत खुशी की बात है कि बड़ी संख्या में लोग सपा में शामिल हो रहे हैं। तो चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब नतीजों का इंतजार है। इस बीच बीएसपी ने यूपी एग्जिट पोल को खारिज कर दिया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत की भविष्यवाणी करने वाले एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी एक बड़ी ताकत के साथ विजयी होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुधींद्र भदौरिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपना फैसला दे दिया और वोट ईवीएम में बंद है। जिस तरह से बीएसपी प्रमुख मायावती की रैलियों में भीड़ उमड़ी थी, उस हिसाब से हमें भरोसा है कि प्रदेश में मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगी। तो 7 चरणों में जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव चल रहा था वो खत्म हो चुका है। 10 मार्च का इंतजार है क्योंकि 10 मार्च को नतीजे आएंगे। इससे पहले ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। इसे लेकर राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रमुख हैं जयंत चौधरी, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जयंत चौधरी ने कहा है कि जब तक ईवीएम खुल नहीं जाती किसी को भी नतीजे का पता नहीं चल सकता। एग्जिट पोल की एक प्रक्रिया होती है, पोलिंग बूथों पर किसी एग्जिट पोल के व्यक्ति को नहीं देखा गया, पता नहीं उन्हें अपना डाटा कहाँ से मिलता है। ये एक नजरिया हो सकता है और मैं इससे सहमत नहीं हूं, ये एक मानसिक दबाव बनाने की युक्ति है।
तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का मतदान समाप्त हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सोमवार को बड़ा दावा किया। कहा, प्रदेश में फिर एक बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से जारी बयान में स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने पूर्ण समर्पण के साथ बिना रुके बिना थके सतत परिश्रम किया है। उनके परिश्रम से प्रदेश में फिर एक बार कमल खिलने जा रहा है। प्रतापगढ़ में मोबाइल शॉप का सामान खरीदने निकले युवक का शव मिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया। प्रतापगढ़ जिले की नगर कोतवाली के अजीत नगर का रहने वाला अंकित केसरवानी सोमवार को करीब 12 बजे दिन में 50,000 की नकदी लेकर मोबाइल शॉप पर सामान खरीदने के लिए निकला था, मगर कोतवाली के कटरा मेदनीगंज बाजार पहुंचा और देर रात जब वो घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों में हड़कंप मच गया। इसी बीच भूपियामऊ चौराहे से चंद कदम की दूरी पर अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर युवक का शव शक्तिशक्त हालत में पड़ा मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो वहीं परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। लगभग 6:30 बजे उसका एक 6 या 6:30 के बीच में एक बार काल आई, उसके बाद मोबाइल फिर बाद में। तो शव कहाँ पाया गया? किस शव? भूपियामऊ चौराहे के और आगे लगभग 1 किलोमीटर आगे महिंद्रा ऑटोमोबाइल से दुकान है, उन्हीं के बाहर पाई गई। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से शव वहाँ पाया गया था तो कैसी स्थिति में था शव? शव बहुत छत बिछत स्थिति में था। इससे ये प्रतीत होता है कि इसे हम लोगों को लगता है कि मर्डर हुआ है, किसी ने मार के फेंक दिया है लाके। क्या किसी से दुश्मनी थी? ऐसा कोई कभी ऐसा बच्चा ही नहीं था कि जिससे किसी से जो पाया। सहारनपुर के ननौता थाना क्षेत्र में ननौता पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। बता दें कि थाना ननौता क्षेत्र में तस्कर एक बड़े मकान में एक फैक्ट्री चला रहे थे, जिसमें भारी मात्रा में शराब तैयार की जा रही थी। होली के मद्देनजर और चुनाव की जीत को लेकर ये शराब तैयार की जा रही थी, जिसमें अंग्रेजी शराब की बोतलें, रैपर और देशी शराब के बोतल, रैपर और लिक्विड पदार्थ भी भारी मात्रा में बरामद हुआ है। वह इसकी कीमत भी लाखों में बताई जा रही है। देखिए, थाना ननौता में पुलिस मुठभेड़ में 5 लोगों के एक गैंग की गिरफ्तारी की गई है, जो अवैध शराब ईएनए से मैन्युफैक्चर करता था। इस गैंग के 5 सदस्यों को हम लोगों ने पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। ये लोग शामली के सहारनपुर शहर के रहने वाले हैं, ज़्यादातर लोग शामली के रहने वाले हैं, और 1-2 साल पहले इन्होंने ननौता क्षेत्र में घर ले लिया था, इससे अपना कारोबार चला रहे थे। कुछ समय पूर्व गागलहेड़ी में भी हमने इसी मोडस ऑपरेंडी से मैन्युफैक्चर करने वाले शराब के गिरोह की गिरफ्तारी की थी, उसमें भी कुछ लोगों के नाम सामने आए थे। तो ये हम लोगों को जानकारी मिली है कि कुछ लोग हैं हरियाणा के, मेरठ के, शामली के, बागपत के, जो बहुत ही वृहद स्तर पर नकली शराब मैन्युफैक्चर करने के जो विभिन्न चीज़ें होती हैं, जैसे कि होलोग्राम, रैपर, ढक्कन, बोतल और जो नया टेट्रापैक स्टार्ट किया गया है। संभल में मतगणना को लेकर पुलिस की तैयारी पूरी है। बता दें कि 10 मार्च को बहजोई में एनएच हाईवे बंद रहेगा और वीर जुलूस पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। वहीं काउंटिंग के मद्देनजर पुलिस की सुरक्षा के संबंध में संभल एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार काउंटिंग स्थल पर 3-लेयर सिक्योरिटी होगी। दो कंपनी सीआईएसएफ 3 सीटों और थानों की पुलिस तैनात रहेगी। आगरा मुरादाबाद रूट डाइवर्ट रहेगा। विजय जुलूस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मतगणना के लिए माननीय चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। इसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मतगणना स्थल पर रहेगी। इनमें जो उसके सामने का हाईवे है उस पर रूट डायवर्जन रहेगा, जिसके लिए 9 तारीख को सभी प्रमुख अखबारों में उसको निकाला जाएगा। उसके हिसाब से जनता को एडवाइस किया जाएगा कि उसके हिसाब से अपना रूट डाइवर्ट रखें। यहाँ पर जो प्रत्याशी आएंगे उनको कोई भी विजयी जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी जाएगी। साथ में उनके जो समर्थक आते हैं उनको भी पीछे लगभग 100 मीटर के पीछे एक बैरियर लगाया गया है, वहाँ पर रोका जाएगा। इस पूरी व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ 3 डिप्टी एसपी, 2 कंपनी सीएपीएफ, 2 कंपनी पीएसी और साथ में लगभग 10 थानों का फोर्स व्यवस्था में लगाया गया है। पुलिस इस चीज़ के लिए पूर्णतः तत्पर है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग और शांतिपूर्वक इस मतगणना को संपन्न कराएंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।